बच्चों, वेलकम टू केबीटी, वेलकम टू केबीटी। हम लोग केबीटी के थर्ड एपिसोड कर चुके थे, फोर्थ एपिसोड में हैं, और मेरे साथ हैं सात्विक जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हैं। जी, किस ब्रांच में आर्मी पब्लिक स्कूल में आप? SB बार सरदार पटेल। ज्यादा पूछेंगे तो पिन कोड भी बता देते हैं ये, इसलिए ज्यादा एड्रेस पूछना इनसे ठीक नहीं है। तो तीन एपिसोड जो पिछले हुए हैं, जो उन्होंने पहला दीर्घा के साथ खेला था, दूसरा मयंक के साथ, और तीसरा उन्होंने रिया के साथ खेला था। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां आप देख सकते हैं। केबीटी कौन बनेगा टॉपर में आपका फिर से एक बार स्वागत है, और हम लोग जो बातें करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंसेस, जो भी नाम आप दें। इसके ऊपर हम लोग 10 MCQ लेके आए हैं आपके लिए, जिसकी क्वालिटी काफी इंप्रूव्ड है, स्ट्रांग है, जो आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मदद करेंगे। केबीटी का जो लॉजिक है, जैसा अगर आप कुछ लोग पहली बार देख रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर ही आधारित है। बस लॉजिक ये है कि मस्ती भी हो और पढ़ाई भी हो, यानी खेलते खेलते मजे मजे में बातचीत करते करते हम लोग अच्छी पढ़ाई कर लें। तो ये दोनों बातें करने का ऑब्जेक्टिव है, और तीन एपिसोड के बाद चौथा एपिसोड आपके सामने लेके आए हैं। तो सात्विक से बात करूंगा। सात्विक, कुछ अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो आपके दोस्त हैं पूरे देश से जो देख रहे हैं, वो आपके बारे में जान सके। हेलो गाइस, क्लास में और स्कूल में मुझे एक डेंजरस गाय की तरह जाना जाता है, क्योंकि मैं लड़ाई स्टार्ट कराने के लिए फेमस हूँ। ये जैसा बता रहे हैं, लग रहा है नारद मुनि के अवतार हैं ये, तो मतलब कहीं पे मिर्चा नहीं लग रहा हो तो थोड़ा मिर्चा छिड़क देते हैं। वैसे ये बता दूं, अपने स्कूल के टॉपर हैं ये, तो पढ़ने में जबरदस्त हैं। हाँ, बाकी दीन दुनिया में भी डेवलपमेंट जारी है इनका, जल्दी ज्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे। तो आप ये बहुत सीधे हैं, मैं तो इनसे बोलता हूँ कि बेटा आप तो सतयुग के आदमी हो, कलयुग में कैसे आ गए, इतने ज्यादा सीधे और सरल स्वभाव के हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर का है। बाकी जो बातें आपसे कह रहा है वो दिल खोल के बात करेगा, इनके स्कूल में क्या इनके साथ हुआ, अपने साथियों के साथ इन्होंने क्या मजा किया, ये भी बात हम लोग करेंगे। और आर्मी पब्लिक स्कूल जो देश भर में जिसकी शाखाएं हैं, उनके बच्चे भी देख रहे होंगे और साथी को जरूर सपोर्ट करेंगे, है ना साथी? यस सर। साथी, कैमरे में आप देखेंगे तो आपकी शक्ल और सुंदर लगेगी, अगर आप इधर देखेंगे तो आपके दोस्त आपको पूरी तरह देख नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। केबीटी हमारे साथ, हमारी जनता है, एक बार जनता के दर्शन कराएंगे। और छोटे से कुछ रूल बता देता हूं, 10 MCQ सामने आएंगे सात्विक के, हर MCQ का एक ही सही जवाब होने वाला है, और इसमें से अगर सही जवाब करते हैं सात्विक तो उनको मिलेंगे +4, गलत करने पर मिलेंगे -1। अगर सारे सवाल सही हुए तो 10 में 10 यानी +40 इज द मैक्सिमम पॉइंट्स। आप भी हमारे साथ खेलिए, स्क्रीन पे जब आपको ये मिलेगा क्वेश्चन तो आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आप सही ऑप्शन निकाल पा रहे हैं। अगर निकाल पा रहे हैं तो वाह वाह बल्ले बल्ले, और नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको सोल्यूशन भी साथ में मैं बता दूंगा जिससे आप सीख सकें। तो सामने जो ऑडियंस है उनसे मुखातिब कराऊंगा आपको, लेकिन एक चीज और बता दूं इंटरेस्टिंग, कि हमारे साथ में ऑडियंस पोल भी है। अगर सात्विक पहले दो सवालों के सही जवाब देते हैं तो ऑडियंस पोल खुल जाएगा, यानी तीसरे सवाल से लेकर 10वें सवाल तक किसी में अगर वो फंस जाते हैं तो हमारी जो मयंक बैठे हुए हैं, बड़े शानदार प्लेयर हैं, बातचीत ज्यादा करते हैं तो पीछे से बातचीत भी कर रहे हैं क्योंकि ये आगे बन के नेता बनेंगे, ऐसा उन्होंने बताया था प्रोग्राम में। तो ये सब बातें हम लोग देखेंगे, और प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारा ऑडियंस का भी बहुत रोल लेता है। अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो शानदार प्रोग्राम जाता है, ऑडियंस मतलब आप भी और ऑडियंस मतलब हमारे सामने जो बैठे भी हैं। तो मैं शक्ल पहले दिखाना चाहूंगा ऑडियंस की, तो ऑडियंस तैयार है आप? तो ये रही हमारी ऑडियंस। तो ये ऑडियंस है और ये बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार है और हमारे साथ खेलेगी केबीटी। तो साफी का तैयार है? यस सर। तो पहले क्वेश्चन के लिए स्टार्ट किया जाए? यस सर। जब भी बात कीजिएगा थोड़ा मेरी तरफ, मेरी भी शक्ल कुछ अच्छी हो रही है इनके साथ बैठने से, और साथ में कैमरे की तरफ देखिएगा जिससे आपकी बात बेहतर ढंग से जाए। और माइक लगाए, थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे दूं, माइक पे थोड़ा सा तेज बोलिए जिससे माइक पकड़ पाए। तो आपके सामने हम लोग क्वेश्चन लेके ये हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। पहले पॉइंट, पहली जो चीज आपको दिख रही है, आपको दिख रहा होगा अरविंद एकेडमी ऐप। तो इस बारे में मैं जिक्र करूंगा, इसको भी बड़ा फायदा हुआ जैसा ये बता रहा है। रात को तीन, हफ्ते में तीन बार, मंडे वेंसडे और फ्राइडे रात को 9 बजे
एमसीक्यू शूट किए जाते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं वहां पर। ये फ्री है, आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका कोई कॉस्ट नहीं, इट इज टोटली फ्री। और प्रॉपर बैच कोड यूज कीजिए, जो बैच कोड इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप क्लास 12th फिजिक्स के हैं तो डेमो 12P, मैथ्स के हैं तो डेमो 12M, 10th के हैं तो डेमो 10MS, 11th के हैं तो डेमो 11P एंड डेमो 11M। तो बात और पसंद आने पर अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, बिना खर्चे के बिना कॉस्ट के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सात्विक, आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर 30 degree एंड 60 degree, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है अंडर रूट ए प्लस बी, दूसरा है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए माइनस बी और अंडर रूट ए अपॉन बी। तो ये जो क्वेश्चन है, जो लोग देख रहे हैं उसको आप पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व नहीं हो पाता है तो सोल्यूशन आपको दिखाई पड़ेगा। साथी भी क्वेश्चन को लगा रहे हैं और जल्दी कुछ सोल्यूशन लेके आएंगे, तब तक आप भी लगाइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे, तैयारी करना वाजिब रहेगा। और हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मैं ऑडियंस भी आपको दिखाता हूं अभी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखिए ऑडियंस लगी हुई है और क्वेश्चन को सॉल्व कर रही है। इससे क्या साबित होता है कि हर बच्चा, चाहे वो आप हो, चाहे ये ऑडियंस हो, चाहे ये साथी को, जरूर अच्छा करना चाहता है। बस सवाल इस बात का है कि थोड़ा सा मजा आना चाहिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं साथी, जल्दी आंसर निकलेगा। साथी क्या आप कुछ सोल्यूशन कर पाए हैं? कुछ लगता है ये वर्ज पर हैं सवाल खत्म करने के, तो आपका आ गया है। किस ऑप्शन को लॉक करने साथी का? ऑप्शन बी अंडर रूट ए बी। ऑप्शन बी अंडर रूट ए बी को लॉक कर दूं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए देखते हैं हम लोग। ये क्लियर लॉक, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट था और जो बच्चे ये देख रहे हैं स्लाइड पे उनको सोल्यूशन भी दिख रहा होगा। तो अगर आपका बी ऑप्शन सही निकला है जो सात्विक ने दिया था तो बहुत खुशी की बात है, और कहीं आपका बी ऑप्शन नहीं आया है तो इस सोल्यूशन को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितनी बात आपकी बनती है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई के साथ मस्ती भी हो जाएगी या मस्ती के साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। ध्यान रखिए हमारा KBT का जो हर एपिसोड है वो संडे को 10:30 AM पर रिलीज करते हैं हम लोग, तो ये संडे 10:30 पर आप इसको देखना शुरू कर सकते हैं और हर नया एपिसोड आपको रविवार संडे को 10:30 AM को मिलेगा, नए नए स्कूल के खिलाड़ियों के साथ। तो चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। यस सर। साथी तैयार हैं? यस सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए इज अल्फा। आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस डी टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी बीटा। द हाइट ऑफ द टावर इज। चार ऑप्शन है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर काफी चीजें लिखी हैं, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आता है। तो अपनी जनता भी जबरदस्त तरीके से लगी हुई है सॉल्व करने पे, मैं कुछ लोगों से आपसे परिचय भी कराऊंगा। रोहित जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, आज बड़ी घटना कमाल की रही रोहित की, जैसा उन्होंने बताया उनका भी जिक्र कर देते हैं कि मेरे भी होश उड़ गए हैं। रोहित जी आ रहे थे कोचिंग के लिए और घर में ही इन्होंने अपना जूता उठाया पहनने के लिए और जूते में सांप निकला है। आप सांप का मतलब करीबन रहा होगा मेरे ख्याल से, जैसा ये हाथ से इशारा कर रहे हैं, मैं इनकी तरफ दिखा दूं आप देख पाएंगे। रोहित जी कितने इंच का रहा होगा? करीबन आधा फुट का था, मतलब 6-7 inch का था। नापा तो उन्होंने होगा नहीं, सांप को नापना खतरनाक होता है, तो इन्हें अंदाजे के तौर पे 6-7 inch का सांप था। तो इससे क्या देखते हैं बेटा हम लोग, कभी भी आप शूज अपने पहने, शर्ट पहने, जरूर एक बार उसको, और शर्ट्स वगैरह है तो झाड़ लीजिए, ऐसे झटक लीजिए एक बार, और अगर शूज हैं तो उसको भी पहनने से पहले एक बार हिट करते हैं ना जमीन पर, जैसे कुछ हो तो निकल जाए, जरूर ऐसा करके पहनिए क्योंकि मौसम कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें दिक्कत आपको हो सकती है। तो बी केयरफुल,
एक सजग जिंदगी को जिए, एक मस्ती जिंदगी जिए और जबरदस्त पढ़ते रहिए। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बोलेंगे एक बार हम लोग, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सात्विक जी, क्या तैयार हैं आप? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, आर्मी बी, सॉरी ऑप्शन बी को लॉक कर दें। यस सर। देखिए, ये आर्मी पब्लिक स्कूल का खिलाड़ी है, जोश से भरा हुआ है, मजबूत इंसान है, इसलिए हम लोग जय हिंद के नारे लगाते रहेंगे इस बार। तो हम लोग बी को लॉक कर दें। यस सर। चलिए देखते हैं कि इनका ऑप्शन कितना सही गलत होता है। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल और ऑप्शन बी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि जैसा आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हेल्दी क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में सारे क्वेश्चंस एक नंबर से बड़े में भी आ सकते हैं। तो आप जबरदस्त तरीके से उन्होंने लगाया है, आप देखिए और देखिए आपका ये आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। ना मिलने की दशा में सीखिए। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। यस सर। तैयार हो? यस सर। तुम्हारे मजबूत कंधों पर तीसरा सवाल आने वाला है। यस सर। है कंधे मजबूत? यस सर। चलिए साहब, तीसरे सवाल की तरफ। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 25 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। द हाइट ऑफ द टावर इज, ध्यान से सुनिए सवाल, ध्यान से देखिए सवाल, कोशिश कीजिए सवाल का आंसर आप निकाल के ही छोड़ें। 25 मीटर पहला ऑप्शन, 50 मीटर ऑप्शन बी, और सी है 75 मीटर, डी है 100 मीटर। अच्छी बात क्या हुई है कि शुरू के 2 सवालों को आंसर करके सात्विक जी को ऑडियंस पोल की लाइफलाइन हाथ लग चुकी है। तो अब 8 नंबर हो चुके हैं 2 सही सवालों के जवाब देने पर, प्लस 8। और अगर ये चाहेंगे तो ऑडियंस पोल ये ले सकते हैं। ऑडियंस हमारी बड़ी जुझारू है, खूब खा पी के आई है और एक तो सांप के साथ टक्कर लेके आया है। तो ये देखते हैं हम लोग कि ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है। सात्विक, क्या निकाल चुके हैं आप? नो सर। ओके, आप तब तक काम कीजिए, लगाइए सवाल, बाकी मैं ऑडियंस से बात करता हूं। तब तक आपके लिए भी बेटा, जैसे एग्जामिनेशन में आपको मालूम है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में MCQs को इन्वॉल्व कर लिया गया है, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, रटिएगा नहीं बेटा, याद करके MCQ नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको क्या करना है बेटा, इन क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अरविंद एकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। कोई खर्चा तो है नहीं ना, आप कीजिए। 11, 12 का भी मटेरियल अगले साल भी काम आएगा, उसके बाद वाले में भी मैं साथ में रहूंगा। और 12 जब पास आउट हो जाइए, नीट में सेलेक्ट हो जाइए, JEE मेंस एडवांस क्लियर कर लीजिए, तो ऐप को तब इंस्टॉल कर दीजिएगा। कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं करेगा, ऐप आपकी मदद के लिए है। तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपना फायदा कीजिए। अब देखते हैं कि क्या स्टेटस है। जनता में से कुछ लोग कर चुके हैं शायद, हाथ उठाएंगे जो लोग कर चुके हैं जनता में। 3-4 लोग कर चुके हैं, मैं जनता का भी दर्शन आपको कराऊंगा। लेकिन सात्विक की बात करते हैं कि सात्विक क्या ऑप्शन कर पा रहे हैं और कहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो सात्विक जी, जैसे ही आपका हो जाए आप बताइएगा। बाकी बेटा, जो ऑडियंस, जो इस व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं, वो इस वीडियो को पॉज कर लें और सीरियसली इस क्वेश्चन को लगाएं। सारे एक अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लगाएंगे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और जरूर 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 आपको जबरदस्त 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 फायदा होगा, पक्का है। तो आप लगाइए, कुछ लोग लगा चुके हैं और कुछ लोग बिना लगाए ढेर हो चुके हैं ऐसा लग रहा है ऑडियंस पोल। तो उनसे सबसे मुलाकात में कराऊंगा, लेकिन अभी देखते हैं हम लोग कि क्या राय है अपने सात्विक की। इट्स ऑप्शन बी, 50 मीटर। तो सात्विक जी लॉक कराना चाहते हैं ऑप्शन बी वंस अगेन। yes. 50 मीटर लॉक कर दें? यस सर। तैयार है? यस सर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है। बिल्कुल सही, तालियां, जोरदार तालियां, तालियां जबरदस्त होनी चाहिए। थर्ड का ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जिन बच्चों का सही आया हो, जो व्यूवर्स में भी है, ऑडियंस में भी है, उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और जिनका नहीं आया हो, उनके सामने सोल्यूशन मौजूद है, तो वो ये सारी बातें देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें आई हैं, और जरूर आप इसका फायदा उठाइए। अब कुछ चर्चा हम लोग सात्विक के साथ भी करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और लगाते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4, फिर सात्विक की लाइफ के बारे में जानेंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल में इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, देखिए बहुत सुंदर सवाल है,
If the angle of elevation of a cloud from a point 200 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree, then the height of the cloud above the lake is? Char option hai, 200 meter, B 500 meter, C hai 30 meter and D 400 meter. Thoda solve karke bataiye do. To umeed hai ki audience ki tarah hi aap bhi zabardast taiyari kar rahe honge, khub kas ke questions laga rahe honge. और जल्द ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जैसे ऑडियंस काफी लगी हुई है और अपने सात्विक 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 भी लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में. चौथे का क्या ऑप्शन आएगा ये जल्दी ही बताएंगे. काफी कैलकुलेशंस कर रहे हैं सात्विक. तो सात्विक जी अभी भी लगे हुए सवाल के ऊपर. ये सवाल एक जोरदार सवाल है. अपनी ऑडियंस के भी पसीने छूट रहे हैं और सात्विक ने तो पसीने कहां-कहां से छोड़ दिए मुझे खुद नहीं मालूम. तो अब ये देखते हैं कि आप जो सवाल कर रहे हैं आप क्या निकाल पाए हैं. या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि क्वेश्चन एक हेल्दी क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सा दिमाग तो चाहिए चाहिए. तो क्या आप सॉल्व कर पाए हैं सात्विक? ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑडियंस पोल लेंगे तो हम लोग को ऑडियंस के दर्शन करने पड़ेंगे पहले. तो हम लोग ऑडियंस की तरफ चलते हैं. तो ऑडियंस तैयार है आप? तो आवाज थोड़ी सी ठंडी है, खाना पीना थोड़ा कम खाया आज इन लोगों ने, लेकिन बात करते हैं. चार ऑप्शन हमारे पास हैं तो मैं एक एक ऑप्शन का नाम लूंगा. ऑप्शन ए जो लोग उनके फेवर में होंगे हैंड रेस कीजिएगा और काउंट कर लेंगे हैंड हम लोग, है ना. तो ऑप्शन ए के फेवर में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है. ऑप्शन ए तो बेचारा अकेला रह गया. ऑप्शन बी के फेवर में कितने लोग हैं? कोई नहीं है. ऑप्शन सी के फेवर में कितने लोग ऑडियंस पोल के लिए जा चुके हैं? तो आंसर देने का कोई मतलब नहीं है. आप एक गेम खेल रहे हैं ना कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप. तो ऑप्शन नंबर सी के लिए कितने लोग फेवर में हैं? अरे तो डी बचा, फिर तो श्योर माने डी के लिए. जिन लोगों का निकला याद उठा रहे हैं, काफी लोग हैं, दो तीन के नहीं निकला होगा. तो ऑप्शन डी बोलते ही ऑडियंस आप क्या बोलेंगे? अब क्या देखेंगे ऑडियंस के साथ, जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं. ऑप्शन डी क्लिक लॉक कर दें? यस सर. थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा वरना ये माइक आपको पकड़ नहीं पाएगा. यस सर, ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए. चलिए ऑप्शन डी को लॉक करते हैं हम लोग. तो ये रहा ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है. तालियां तालियां तालियां. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. जो लोग घर पर ये वीडियो देख रहे हैं इन क्वेश्चंस को लगाइए, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा. और अच्छी बात क्या है बेटा कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको साथ में दिख रहे हैं. देखिए ये जो स्लाइड है इसमें थोड़ा सा डायग्राम है, सेकंड स्लाइड में और दिखाता हूं. पूरा सॉल्यूशन आपको अंदर इसके अंदर दिख रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है. ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप लगाएंगे तो मस्ती के साथ पढ़ाई भी हो जाएगी और पढ़ाई के साथ मस्ती भी हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा. अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड तुरंत कीजिए, भूलिए नहीं. चलते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर. तैयार? यस सर. क्या बात, बहुत बढ़िया. ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर. टू पर्संस आर ए मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल देन ऑफ द अदर इफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कंप्लीमेंट्री देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट इज ए बी सी डी. चार ऑप्शन है. इस सवालों को ध्यान से पढ़िए. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा. ये हिंट हो गया मेरी तरफ से. दो एंगल्स का सम जब 90 होता है तो उनको बोलते हैं बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो इन इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको लगाने की कोशिश कीजिए, जरूर आपको मजा आएगा और क्वेश्चन भी निकालेंगे. ऑडियंस भी जुटी हुई है लगाने पर और सात्विक भी काफी धैर्य और अपनी बुद्धिक बौद्धिक शक्ति के अनुसार सवालों को लगाने में लगे हुए हैं. अभी इनसे बात करते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या किया है, कुछ स्पेशल किया है, इनको सांप बिच्छू मिला है अब तक कि नहीं? रोहित जी को तो मिल चुका है आज, तो इनके दर्शन हुए नहीं हुए? वो भी आर्मी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी हैं तो उनसे भी मुलाकात जल्दी होगी जब वो हमारे साथ बैठेंगे यहाँ पर. तो सात्विक जी काफी मेहनत से सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, ऑडियंस भी लगी हुई है. तो सात्विक के पास एक बार चलते हैं, शायद उनका आंसर आ गया हो. एबीसीडी में से किसी को लॉक कराना चाहेंगे आप? डी. ऑप्शन डी. क्या आप श्योर हैं? क्योंकि ऑडियंस बोल तो आप ले चुके हैं. यस सर. श्योर है? ये सवाल अगर इनका सही हो जाता है तो इनके मार्क्स हो जाएंगे +20 और गलत होगा ऐसी मैं कामना नहीं करता हूं. तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है. ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए? यस सर. तैयार हैं आप? यस सर. बहुत बढ़िया.
तो हम लोग दी एब्सोल्युटली करेक्ट, फैंटास्टिक, जोरदार तालियां, तालियां बजाने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि जो लोग यहां बैठे हैं घर पे तो भी तालियां बजाइए, क्योंकि जो लोग दूसरे की सक्सेस पे तालियां नहीं बजाते उनकी सक्सेस पे दूसरे लोग तालियां नहीं बजाते। तो आपको अपनी सक्सेस पे तालियां चाहिए तो लोगों को तालियां दीजिए, खुशियां बांटिए, खुशियां मिलेंगी, कहने का यही मतलब है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, लेकिन अभी 6 का पूरा पार्ट सॉल्यूशन आपको दिख नहीं पाया है, तो सेकंड स्लाइड को भी मैं दिखाता हूं। और ये देखिए पहली स्लाइड थी जहां आप इन क्वेश्चंस को देख पाए हैं, और इसका बाकी सॉल्यूशन आपको इधर दिख रहा है, शांति से देखिए। और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, लेकिन कुछ बातें सात्विक से कर लेते हैं। जैसा सात्विक के बारे में मैंने बताया है, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ब्रिलियंट चाइल्ड है, चाइल्ड नहीं बोलना चाहिए, अब तो बिल्कुल बढ़िया लड़का है, तो बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। हाँ, कुछ दुनियादारी इसको सीखनी, क्योंकि सीधा बहुत है ये, तो वो जल्दी ही सीख लेगा। तो खैर, कुछ आप बताइए कि आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई स्पेशल दोस्त आपका, लड़का या लड़की कोई ऐसा हो जिसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हो आपको? यस सर, है। एक है या है? है। है लड़का या लड़की है? सर लड़का है। शर्मा रहे आप? सर लड़का है। झूठ बोल रहे? सच है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने लोगों के सामने अगर बोल देंगे तो मम्मी बहुत पिटाई करेगी। खैर मान लेते हैं इनकी बातों की लड़का है। क्या क्या उस दोस्त का नाम क्या है बेटा? ऋषभ, काफी अच्छी बनती है आपसे। यस सर। तो कुछ ऐसा एंटरटेनिंग बात जो आप दोनों ने मिलके साथ की हो, कुछ नॉटीनेस, कुछ मजेदार किस्सा? सर हमने एक बार, मतलब सर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा सीमेंट का। दे दीजिए डिस्क्रिप्शन, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। सर हम लोग काफी बार ऐसा करते हैं कि हम लोग साथ में बैठते हैं। अच्छी बात है, साथ का मतलब है अगल बगल के एक के ऊपर एक अगल बगल। ओके ओके, मैं मस्करी कर रहा हूँ, इतना तो सभी को मालूम रहता है सर। हाँ। और हमारे ट्रिपल सीट्स होती हैं। ट्रिपल यानी तीन सीट अवेलेबल हैं लेकिन दो लोग बैठते हैं? नो सर, सर ट्रिपल सीटर होती है, मतलब ये सर सब तीन सीट। बैठते कितने हो उस पे? सर एक ही बैठते, एक एक सीट पे एक लाइन में लगे रहते हैं। ठीक है जी, आगे। तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे कि हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग के बगल में एक लड़का आया, वो भी हमारा दोस्त ही है, तो वो बगल में आया हमारे, और जैसे ही वो थोड़ा सा मोटा है, वो जैसे ही बैठने वाला था हमने उसकी चेयर खींची, उसको गिरा, लेकिन उसके बाद वो दो दिन तक एब्सेंट रहा। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा तो उसको मानते हैं, चलिए थोड़ी छिड़कानी, थोड़ी बदतमीजी कहना तो नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस एज में थोड़ा बहुत मस्करी आप करते हैं, तो बच्चे को या इनके दोस्त को जिसको थोड़ी बहुत चोट लगी उसे मैं कहूंगा आप बुरा मत मानिएगा बेटा, आप इनसे बहुत बढ़िया हैं, आपकी मदद करेंगे आगे। और ये इनकी किस्सा याद आ गया, एक छोटा सा किस्सा मैं भी सुनाता हूं आपको। अपने जमाने में, अब तो खैर लोग थोड़ा शरीफ हो गए लगता है, हम लोग के समय में क्या होता था कि सीट वीट खींचने से कुछ बातें नहीं बनती थी। जैसे ही दूसरा बंदा लड़के, हम लोग कोएड में नहीं पढ़ा हूं, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूं लखनऊ के, उसका नाम, पुराना नाम था मानव बॉयज इंटर कॉलेज, अभी उसका सेंट मॉन्फोर्ट नाम है। तो उस समय जब मैं पढ़ता था तो लड़कों लड़कों का स्कूल था, लड़कियां नहीं थी, कोएड नहीं था। तो जब केवल लड़कों लड़कों का स्कूल होता है तो भाई साहब बहुत खतरनाक होता है। अब तो ऐसे स्कूल पाए नहीं जाते, फॉसिल्स बनते जा रहे होंगे, अगर पाए जाएंगे तो पाए जाने चाहिए भी नहीं, क्योंकि केवल लड़कों का स्कूल खतरों के खिलाड़ी होता रहता है हमेशा वहां। तो होता क्या था कि जैसे लड़का कोई उठा तो सीट वीट तो खींचने की प्रथा पुरानी थी, हम लोग उसके नीचे अपनी पेंसिल लगा देते बैठने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर पेंसिल पे वो बैठा और चीखा तो टीचर मारेगा, और बैठा और चीखा नहीं तो समझ लीजिए उसके साथ क्या होगा। अरे बाप रे बाप, क्या बताओ, बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती थी। लेकिन कई बार सबने झेला है, और कई बार कई बच्चों को थोड़ी बहुत चोटें भी आ गई जो नहीं आनी चाहिए। तो ये मस्करी रही, अब याद आती है तो दोस्तों में हम लोग बात करके हंसते हैं। तो ये बदमाशियां होती थी। आज भी कुछ जैसे मयंक बता रहा था दिल्ली पब्लिक स्कूल में कुछ उसने किसी के साथ कुछ किया था थोड़ा बहुत, तो ये सब मस्करी होती रहती है। तो सीटें हटाना, नीचे थोड़ा बहुत बदमाशी कर लेना, जैसे लड़कियां क्या करती हैं कि पेंसिल पेन नहीं रखते तो वो बोतलें रख देती हैं पानी भरी, और बैठे तो पच से बोतल खुल गई, कोई सॉस की बोतल लगी तो पीछे लगा चेहरा ही लाल हो गया। केचप टेस्ट करिए, फ्री में मिलेगा। तो इस टाइप का केचप निकलता है, और बढ़िया जो है इंटरेस्टिंग चीज होती है। ये सब एक फालतूगिरी वाली बातें हैं, लेकिन मजा आता है। आप जरूर इन बातों को अपने खजाने में छुपाइएगा, जब आप 10 साल 20 साल आगे बढ़ जाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप देर नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, क्या बोलते सात्विक? यस सर। एक बार फिर से हम लोग सारी जनता के साथ जय हिंद बोलेंगे 3 बार, आर्मी पब्लिक स्कूल का लगाइए।
बोलेंगे yes, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय भारत जय भारत जय भारत जय भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आज आर्मी पब्लिक स्कूल का बच्चा मिला है तो दुगने जोश में हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर अबव ए लेक इज थीटा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 45 डिग्री। एक बहुत ही सुंदर सवाल, द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, चार ऑप्शन आपके सामने है, मजबूत ऑप्शन। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा बेटा, आप पॉज कीजिए वीडियो, अपनी कॉपी रजिस्टर निकालिए, पेन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको रियल बेनिफिट मिलेगा, विश्वास कीजिए आपको मजा आ जाने वाला है। तो आप इनको सॉल्व कीजिए और सीखिए, अपनी तैयारी कर लीजिए मैथमेटिक्स की। दोनों के लिए बढ़िया सवाल, स्टैंडर्ड्स वाले हो, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लियो क्लास 10th वाले या बेसिक में लेके चल रहे हो, दोनों के लिए अहम सवाल है। आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे, आपकी प्रैक्टिस को जमाएंगे। और साथ में मैं हर बार बोलूंगा, संडे को सुबह 10:30 बजे KBT देखना मत भूलें। ये हमारा 4th एपिसोड है, पिछले 3 एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। आप क्लिक करके कौन बनेगा टॉपर KBT आप देख सकते हैं। KBT प्रोग्राम KBC से प्रेरित है, KBC होता है कौन बनेगा करोड़पति, और हम लोग बनाते हैं कौन बनेगा टॉपर। करोड़पति से भी ज्यादा अरब खरब पति, पैसे तो छोटी बात होती है, अगर नॉलेज आ जाएगी तो पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। तो चिंता ना कीजिए, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। तो मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, कर चुके क्या सर? आता दिख रहा है, कुछ लग रहा है, डाउट है मुझे। तो बेटा इस समय हमारे पास कोई लाइफलाइन नहीं है, अगर आप सही बोलेंगे तो 24 पे जाएंगे, गलत बोलेंगे तो 20 है, एक माइनस हो जाएगा, 19 पे जाएंगे। क्या आप बोलना चाहेंगे आप? ऑप्शन सी सी को लेके चलूं तो लॉक कर दूं सी? यस सर। श्योर? यस सर। चलिए ऑप्शन सी को लॉक करते हैं और देखते हैं कि इनका सवाल ऑप्शन सी सही होता है कि नहीं। ओहो, ये इस बार चूक गए आप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, एक अच्छा था सवाल, तगड़ा था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। और कैसे करेक्ट है ये आपको सामने दिखने वाला है। इसमें देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है, आधा सॉल्यूशन इधर दिख रहा है और आधा सॉल्यूशन आपको ये इधर दिखेगा। बेटा ये जो लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं एच के आगे 1+10θ 1-10θ, इसकी ये 10a+b का फॉर्मूला होता है जो 10th में नहीं पढ़ते, रिगल के आएगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आएगा। एच 10 45+θ, 10 45 डिग्री की वैल्यू जैसा आप जानते हैं 1 होती है, तो ये ऑप्शन आपको यहां से ए ही मिलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आपकी टोटल जो स्कोरिंग है वो हो जाती है 19। 6 सवाल निकल चुके हैं, हम लोग 7वें सवाल पे चलेंगे। सिद्धि चले हम लोग 7वें सवाल पे? यस सर, गुड, सिद्धि भी तैयार है अगली बार खेलने के लिए। तो आते हैं हम लोग 7वें सवाल पे। ये रहा 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग एक्स मीटर्स टुवर्ड्स ए चिमनी इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 30° टू 60°, द हाइट ऑफ द चिमनी इज, चार ऑप्शंस आपके सामने। सवाल लगाने सात्विक भी शुरू कर चुका है और हमारी जनता भी शुरू कर चुकी है, जनता के भी दर्शन में अभी आपको करा देता हूं एक बार फिर से। ऑप्शन ए इज 3√2x, ऑप्शन बी इज √2√3x, ऑप्शन सी इज √3/2x एंड ऑप्शन डी इज √2/√3×x। तो ये देखिए जनता भी बड़े ठहराव से, बड़ी तगड़े तरीके से, मयंक हाथ उठा के वेव कीजिए जरा, आपकी शक्ल दिखनी है। ये मयंक के लास्ट टाइम खेला था, इससे पहले जिन्होंने खेला था नंबर 1 KBT होते हैं, अद्रिका। अद्रिका हाथ उठाएंगी क्या? ये अद्रिका है, इनका पहला KBT हम लोगों ने खेला था, फिर दूसरा उन्होंने पहला था मयंक के साथ जिन्होंने अभी हाथ उठाया, और फिर रिया थी, रिया आप भी हाथ वेव कीजिए, ये रिवा के साथ तीसरा KBT खेला था, चौथे के लिए सात्विक है। तो आते हैं हम लोग फुल स्क्रीन पर। तो हम लोग वापस फुल स्क्रीन पर आ गए हैं जनता को, जनता के दर्शन करने के बाद, और सात्विक सवालों को लगा रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी सॉल्यूशंस उनके हाथ में होंगे और फिर कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे कि और इन्होंने क्या बदमाशी की या इनके स्पेशल कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कोई जोक, कोई बात हुई। हाँ, तैयार है सर? ऑप्शन सी √3/2x। ऑप्शन सी, 7th का ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए? यस सर। बिल्कुल तैयार? यस सर। वो वेरी गुड, तैयार है, कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, मुझे उम्मीद है सही होगा। कमाल है, बिल्कुल सही सर, जोरदार क्लैपिंग, जोरदार तालियां।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही शानदार, अच्छा खेल रहे हैं। इसके पहले वाली जो बॉल थी वो बाउंसर हो गई थी, लेकिन ये घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस वापस लिया इन्होंने। 7 सवालों में 6 सवालों के सही जवाब इन्होंने दिए हैं, जिसकी वजह से इनको +24 मिला, एक गलत दिया है तो -1 मिला, तो 23 स्कोर पर हैं ये। और इसका जो सोल्यूशन है वो आपके सामने ले आता हूं मैं। तो ये आप देख रहे हैं एक पार्ट फिगर, और ये देखिए दूसरा उसका सोल्यूशन, ये पूरा सोल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा। तो जिन बच्चों जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका ये क्वेश्चन आंसर नहीं निकल पाया है, वो इसको फिर से बना लें, रजिस्टर पे कॉपी पे लगा लें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो 2 सूचनाएं मैं देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलूंगा। केबीटी को हर रविवार 10:30 बजे देखना ना भूलें, 4th एपिसोड है। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए, बहुत कुछ फ्री मटेरियल आने वाला है आपके लिए, तो जबरदस्त तरीके से फायदा उठाइए। तो सात्विक जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, तो कुछ स्पेशल घटना जो आपको लगता हो शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों से, पूरे देश भर के लिए, जो लोग हिंदी समझते हैं मेरे ख्याल से सारे लोग देख रहे होंगे, ये देश दुनिया के लोग देख रहे होंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि एक इंटरेस्टिंग बात कि जो आपकी पढ़ाई में इतने अच्छे स्कोर आप करते हैं, मतलब आप अक्सर यहां भी जो टेस्ट होता है, चाहे स्कूल में टेस्ट हो, ये नंबर 1 पोजीशन को पे रहते ही है। 10 टेस्ट लीजिए तो शायद 9 में नंबर 1 रहेंगे और 1 में नंबर 2 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो आपकी परफॉर्मेंस रहती है, जिसे सुपरलेटिव डिग्री बोलनी जानी चाहिए, इसका राज क्या है? क्या आप ध्यान से पढ़ते हैं? क्या रिविजन अच्छा है आपका, या कुछ कुछ और भी टेक्निक है आपकी जो कहती है? सर, मेरे हिसाब से एक बच्चे को या फिर कोई भी ग्रोन अप है, उसको किसी को भी अपने लाइफ, हर लाइफ के स्टेप में एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। जबरदस्त, ये बात बड़ी तगड़ी इन्होंने बोली है। इन्होंने देखिए, सभी लोग बैठे हैं और एग्री करेंगे कि अगर एक अच्छा टाइम टेबल आपने बना रखा है तो आपका लाइफ, आपके पढ़ने का तरीका आसान होने वाला है। और अगर आपने आपने टाइम टेबल नहीं बनाया अच्छा, तो हैपजर्ड है, मतलब हौच पौच मची हुई है, हौच पौच मची हुई है, फिर आप कुछ अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ऑर्गेनाइज तरीका या टाइम टेबल बना के आप अपनी चीजों को आसान कर लेते हैं। आसान करने का मतलब कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट। भाई जो 1 घंटा पढ़ा उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं पढ़ा फिर पढ़ लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। टाइम इज लिमिटेड सभी के लिए, तो आप टाइम टेबल बनाइए। और एक मैं और खान बात करता हूं, फिर इनकी राय लूंगा, किसी का टाइम टेबल बेटा कॉपी ना कीजिएगा, हर टाइम टेबल इंडिविजुअलिस्टिक होता है। आप राय लीजिए, पापा मम्मी की राय लीजिए, अपने टीचर की राय लीजिए, मैं भी राय देता रहता हूं, लेकिन कोई आपका टाइम टेबल बना नहीं सकता, आपको राय देके गाइड कर सकता है। टाइम टेबल आप ही बना पाएंगे बेहतर, कि कितने घंटे में आप सोना चाहते हैं, कितने घंटे में एनर्जी फील करते हैं, कितने घंटे एज ए सिटिंग बैठते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे साथ में किस पे? सर, हमने देखा, सर थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, नहीं ये माइक लेता नहीं है बेटा। जो टाइम टेबल है वो हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग में डिफरेंट रहता है, हर स्टूडेंट के डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से उसके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हर बच्चे का टाइम टेबल अलग हो सकता है। इसलिए हर बच्चे को रिटन नहीं तो मेंटल टाइम टेबल तो बनाना ही चाहिए, मतलब दिमाग में एक सेट कर लें कि हाँ मुझे ये करना है, इस समय में मुझे ये करना है, इस समय में मुझे वो करना है। इससे हमें यूनिफॉर्मिटी आती है, प्लस हमारे टाइम कंजम्पशन भी बचता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात बताइए। वैसे मैं तो राय करूंगा इनकी बात में थोड़ी सी बात जोड़ते हुए, कि ठीक कह रहे हैं, मेंटल सेटअप की जगह आप एक चार्ट ले लीजिए, 1-2-5 रुपए का मिलेगा व्हाइट कलर का, नहीं चार्ट पेपर, और उस पर 7 दिन लिखे ना बड़ा बड़ा लिख दीजिए आप, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे, मैंने कई वीडियो में बोला है, संडे को आप फंडे के साथ रिविजन डे बनाइए, जो 6 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम टेबल आप बना रहे हैं उसका रिविजन बहुत जरूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप क्या, कोई भी नॉर्मल लोग भूल ही जाते हैं बेटा, आपकी गलती नहीं है उसमें, लेकिन आप चूक जाएंगे। आप एक मेहनत देखिए, कोई भी मैच, आप फुटबॉल मैच खेलिए और अच्छा मैच खेलिए और जीतिए ना, तो ये कहना अच्छा लगेगा कि खेला अच्छा लेकिन सर हार गए, ये तो मजा नहीं आ पाया। अगर खेला तो जीतेंगे, है कि नहीं, खेलेंगे भी दिल से और जीतेंगे भी दिल से। तो दोनों बातें बनाने के लिए अपनी मेहनत के साथ स्मार्ट मेहनत होनी चाहिए, स्मार्ट हार्ड वर्क। एक नया शब्द मिल गया मुझे बात करते हुए, स्मार्ट वर्क नहीं बोलूंगा, हार्ड वर्क भी नहीं बोलूंगा, स्मार्ट हार्ड वर्क, स्मार्ट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, यस सर, तैयार? यस सर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स
of height 16 meter and 10 meter are connected by a wire of length L meters. If the wire makes the angle of 30 degree with the horizontal, then L is equal to how much? चार ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी डी 26, 16, 12, 10 और ये मीटर्स ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मीटर्स में जिक्र हो रहा है। तो आप जो बच्चे ये देख रहे हैं, आप पॉज कीजिए वीडियो, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या ऑप्शन आपका निकलता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपने कितना स्कोर किया है, फाइनल स्कोर कितना है, 40 में 40 है, 35 है, 30 है, 5 है, 10 है, जो भी है, नंबर कम हो ज्यादा हो कोई बात नहीं, खेलना मत छोड़िए, खेलेंगे तो जीतेंगे। जो लोग खेलने से डरते हैं वो जीतने से भी डरते हैं, तो खेलना है तो जीतना है, और जीतना है तो खेलना है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग सात्विक जी क्या इसका आंसर निकालते हैं। एक बार जनता के दर्शन फिर से कराना चाहता हूँ, जनता तैयार है दर्शन देने के लिए? तो ये अपनी जनता देखिए मशगूल है। आगे कुछ तीन लोगों को मैं परिचय कराता हूँ, तीन लड़कियां बैठी हुई है, रिया को आप पहचानते हैं, बीच में अंशिका जी है जो सर ऊपर करने में शर्मा रही है, और उसके बाजू में बैठी हुई है भूमिका, अच्छी सी स्माइल उन्होंने दी है, बहुत अच्छा लग रहा है कैमरे पर, और पीछे भी जो लोग बैठेंगे करके नाम लूंगा तो आप शक्ल देख नहीं पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, सब एक के बाद एक आते रहेंगे। वैष्णवी है, देखिए वैष्णवी याद लाइए, ये वैष्णवी है, और भी कई बच्चे बैठे हैं, बीच में राजनंदिनी बैठी हुई है, तो कई लोग हैं, अंशिका बैठी है, दूसरी अंशिका है, अंशिका मिश्रा, अनन्या मिश्रा, सॉरी माफ कीजिएगा। तो इस तरीके से लोगों का परिचय मैं कराऊंगा। तो आते हैं स्क्रीन पे वापस, सात्विक ने अपना काफी काम कर लिया ऐसा लगता है मुझे। तो सात्विक आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? यस सर। क्या लॉक करूं? सर ऑप्शन सी 12। सी 12 पक्का है क्या? यस सर। मजबूत तरीके से कह रहे हैं, देखना है। अच्छा थोड़ा सा इनको थोड़ी सी पल्सेटिंग नर्व्स है, हड़बड़ाहट है, बिल्कुल मार दिया, कमाल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जबरदस्त। जब क्वेश्चन सही करना है कोई बच्चा या आप में से तो मजा आ जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं सारे मोटे ताजे सवाल हैं, मेरे जैसे ताजा तो मैं नहीं हूँ, मोटा हूँ, तो ये मोटे ताजे ही हैं, मैं केवल मोटा मोटा हूँ। तो एनीवे ये सवाल जबरदस्त हैं और इनका सोल्यूशन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस तरीके से देखिए एल की वैल्यू 12 मीटर कैसे आई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे सात्विक के साथ में, जिससे मजा भी आता रहे, बात भी होती रहे। केबीटी हर संडे 10:30 AM पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 सात्विक जी आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इफ ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है, नॉटी लड़की है लगता है, कहीं खड़ी हो गई, इफ ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए लैंप पोस्ट एंड कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज, ए बी सी डी चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2 मीटर, तीसरा है 2.5 मीटर एंड टी है 2.8 मीटर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आता है ये सात्विक और जनता कैलकुलेट कर रही है, जल्दी इसका सवाल का आंसर हमें मिलेगा। तो बेटा मैं यही बोलूंगा कि जितनी ज्यादा पढ़ाई आपकी जरूरी है बेटा, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस और रिविजन जरूरी है। तो आप पढ़िए जबरदस्त तरीके से, रिविजन और प्रैक्टिस भी जबरदस्त कीजिएगा। संडे को ना आप थोड़ा समय, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन तो पास आते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन, दिवाली भी निकल गई, अब अगली चीज आ जाएगी, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए दिन कम बच रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन है, 10th वाले बच्चे पहली बार बोर्ड देंगे और 12th वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो भी सजग हो जाइए, अब समय ज्यादा नहीं है, अब पढ़ाई को फोकस में लीजिए, टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन्ड अप्रोच में पढ़ाई कीजिए। अगर अब आपने समय वेस्ट किया तो ये ऐसी भरपाई इसकी नहीं कर पाएंगे, आप चूक जाएंगे बेटा। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं पाता कि अगर कोई 12th में बच्चा है तो उसके लिए हिदायत कि 10th में आपने बड़ी कोशिश की और 15-20 दिन एक महीने में काफी कुछ कर लिया, लेकिन 12th में तो नहीं कर पाएंगे, कोर्स बहुत ज्यादा रहता है, काफी कुछ सीखना रहता है, तो 15-20 दिन एक महीने में ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। और क्लास 10th में भी है तो एकदम से बर्डन क्यों लेना यार, जब मुस्कुराहट बनी रहे और पढ़ाई भी होती रहे। देख चलते हैं सात्विक की तरफ, कुछ निकाल लिया लगता। सात्विक कौन सा ऑप्शन? सर ऑप्शन सी 2.5 मीटर। लॉक कर दें? यस सर। डबल लॉक? यस सर। ट्रिपल लॉक? तो ऑप्शन सी। यस सर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, तालियां, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कितना सुंदर लगता है जब सही होने पर मैं और सात्विक भी अपने सही होने पर तालियां बजाते हैं, ये एक सेलिब्रेशन है। देखिए एक भाषण देने का मौका मिल गया आपको, ये सवाल का जिन बच्चों का नहीं निकला सॉल्यूशन साथ में स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप छोटी मोटी सफलता अचीव कीजिए, चाहे सवाल लगाने की ही क्यों ना हो, एक अच्छे सवाल को लगाने की, अपने को वेल डन बोलिए, यू हैव डन इट। इन छोटी छोटी सक्सेसफुल
चीजों पर, जब आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट करते हैं और उससे आपको बहुत सफलता और मुस्कुराहट मिलती है। तो अपने को कॉम्प्लीमेंट करते रहिए बेहतर चीजों पे। कुछ अगर गड़बड़ कर लें आप तो उससे सीख लीजिए, निराश ना होइए, सीख लीजिए। और लाइफ तो सीखने का ही नाम है, मैं भी सीख रहा हूँ, बच्चे भी सीख रहे हैं, सब लोग अलग अलग स्टेज ऑफ लर्निंग पे हैं, बस फर्क इतना ही है। जिसने कर दिया सीखना बंद, उसका डब्बा भी हो जाएगा बंद। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, सात्विक से कुछ बातें और जानेंगे। सात्विक बेटा, एक चीज और मैंने देखी है, सात्विक की खूबसूरती सवालों पे, नंबर तो अच्छे स्कोर करते हैं, पढ़ते भी अच्छा है, रिविजन भी अच्छा करता है, टाइम टेबल बनाता है, लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन है देखिए, वो प्रेजेंटेशन भी बहुत ही बढ़िया, यानी सवाल के जो आंसर ये करते हैं टू द पॉइंट, राम कथा पूरी नहीं लिखते, ओनली राम कहां है ये बताते, गोल गोल घुमा के नहीं बताते। तो ये भी बात बहुत जरूरी होती है। क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछा गया है, वर्ड लिमिट रहती है आप लोगों में जानते ही, तो क्या उस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना चाहिए? अगर उस वर्ड लिमिट को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं आप बताएंगे, वरना मैं अपनी राय दूंगा। थोड़ा बताइए, तेज बोलिए। वर्ड लिमिट स्पेशली इंग्लिश और हिंदी के एग्जाम्स में ही होती है, तो हमें लिटरेचर पढ़ना चाहिए। लिटरेचर जो कोर्स का लिटरेचर है इंग्लिश और हिंदी में स्पेशली, वो पढ़ना चाहिए रादर देन कहीं क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं या फिर किसी और चीज में ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हमें लिटरेचर की तरफ फोकस करके उसकी हर एक लाइन सही से पढ़ के उसको समझनी चाहिए, ये रट्टा नहीं मारना चाहिए, बस समझनी चाहिए। इनका कहना है कि ये जिस तरह इशारा कर रहे हैं उसको बोलते हैं थॉरो स्टडी। तो इनका कहना ये नहीं था कि क्वेश्चन आंसर रट के चले जाओ, कि आ जाए तो कर दो भाई। इनका कहना है पूरा चैप्टर ध्यान से अच्छे से पढ़ो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था, वो इशारा इस बात की तरफ कर रहा था कि आप पढ़ अच्छा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कई बच्चों के साथ क्या दिक्कत रहती है, ऑडियंस भी सहमत होगी, कि अच्छी जानकारी ले लेने के बाद भी एग्जामिनेशन में आप उस तरह का प्रेजेंटेशन करने से चूक जाते हैं। आपको आता तो 100% है, लेकिन वहां का प्रेजेंटेशन आपको 80% दिलाता है। तो इस पे भी थोड़ा काम करिए भाई, पढ़ना तो जरूरी है, जब कंटेंट ही नहीं होगा तो आप प्रेजेंट क्या करेंगे, पहली बात। तो कंटेंट ले लेने के बाद आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। अच्छा, प्रेजेंटेशन में कई बच्चों की हैंडराइटिंग बड़ी गड़बड़ होती है, अब इसको लेके बहुत चिंतित होते हैं। देखिए, इस पे भी राय दे देता हूं मैं आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूंगा, क्योंकि 10th क्लास में आते आते आपके हैंडराइटिंग का काफी पैटर्न सेट हो चुका होता है। किसी की बड़ी खूबसूरत हैंडराइटिंग हो जाती है और किसी की बहुत बड़ी बद, आगे बोलूंगा नहीं, बहुत सूरत हैंडराइटिंग हो जाती है। आप फिर भी इसकी भरपाई, अगर आपकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, अधिकतर लुक अच्छी नहीं रहती, मेरी खुद की अच्छी नहीं है, तो आप भरपाई एग्जामिनेशन में कैसे कर सकते हैं कि सवालों के जो आंसर कीजिए उसको आपस में थोड़ा सा स्पेस देके लिखिए, बहुत ज्यादा कम स्पेस में मत लिखिए, वरना ऐसे लगेंगे जैसे चीटे चल गए और जहां लोड पड़ा एग्जामिनर नंबर नहीं देगा आपको। तो थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा दीजिए, एक लाइन लिखिए, दूसरी लाइन को साफ तौर पे लिखिए, जहां पे आंसर खत्म हो जाए वहां पे लाइन खींच दीजिए, पेंसिल से खींच दीजिए, थोड़ी सफाई रखिए, काटा पीटी कम से कम कीजिए। ऐसा नहीं काटे, कोई चीज गलत हो गई उसको 10 बार काट रहे, इतना काट दिया कि पीछे का पेपर ही साफ हो गया भाई साहब। कई बच्चे होते हैं ऐसे, अरे बिल्कुल दिखे ना, दिखने का मतलब पीछे का पेपर ही उड़ गया, कुछ भी नहीं दिख रहा, जाओ पेपर ही साफ, बच्चे भी हंस रहे। लेकिन ये आप लोग होते ना कमाल के, तो रबर लेके जुड़ गए, ऐसी तैसी क्वालिटी टेस्टिंग आज ही होगी, और रबर के चक्कर में रबर आधा घिस डाला, पेपर गायब। तो ये मूर्खता नहीं करने की जरूरत है, आप प्रेम से कीजिए। थोड़ा मैं मजेदारी लाने के लिए थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता हूँ, मुझे मजा भी आने लगता है। तो आप फिर भी समझदार रहिए, हैंडराइटिंग अगर गड़बड़ है बहुत ज्यादा चिंतित मत रहिए, उसकी भरपाई दूसरी तरीके से कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हैंडराइटिंग बनाने के चक्कर में आएंगे ना, अभी कोशिश कीजिए, थोड़ा सफल प्रयास कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा अगर आप झेलेंगे तो समय बहुत ले लेगा। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखिए, अननेसेसरी चीजें ना बताइए, जो पूछा जाए टू द पॉइंट आंसर कीजिए, वही एग्जामिनर चाहता है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, तैयार है फाइनल क्वेश्चन के लिए? यस सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। इफ द शिप्स आर 100 मीटर अपार्ट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज, चार ऑप्शंस हैं, काफी रूट लगे हुए हैं, तो आप इसको निकालिए। देखिए फिर कहूंगा, जिन बच्चों लोग जो ये देख रहे हैं, रजिस्टर निकालिए, कॉपी निकालिए, सॉल्व कीजिए, तो मजा आएगा आपको, आपको घर बैठे आपकी प्रैक्टिस हो जाने वाली है, चूकिए नहीं। ये देखिए हमारी जनता भी काफी तगड़े तरीके से सवालों को सॉल्व करने पे लगी हुई है, और कई लोग पढ़ने में बहुत तेज है। मैं मुलाकात आपसे जल्दी ही कराऊंगा, एक छोटे से वीडियो बना के, जो लोग बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, क्योंकि वही है शान इस देश की।
वही है आन बान शान। और जो लोग धीरे से थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी अच्छा करेंगे, सुमित से उनको भी खुश रहना चाहिए। पूरी ताकत से काम कीजिए, जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी। अब ये ऑडियंस से वापस हम लोग स्क्रीन पर आते हैं, फुल स्क्रीन पर। तो ये मैं और सात्विक आपको दिख रहा हूँ। सात्विक का मुंडी 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 नीचे झुकी हुई है क्योंकि वो सवालों को तगड़ी तरीके से लगा रहे हैं। तो सात्विक लगता है सवालों को सॉल्व कर चुके हैं और कुछ ऑडियंस में कुछ लोग भी हाथ उठा रहे हैं, उनसे बाद में मुखातिब होंगे हम लोग। तो सात्विक जी, किस ऑप्शन को हम लोग टिक करें, क्लिक करें, लॉक करें? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हम लोग जनता की तरफ भी जाना चाहेंगे तो जनता के सामने पहुंचे। जनता में कितने लोग सी से सहमत हैं? एक आदमी सहमत दिख रहा है, दो आदमी, तीन आदमी सहमत दिख रहे हैं, चार पांच, कुछ लोग शर्मा रहे हैं लगता है, आठ दस लोग सहमत दिख रहे हैं। एनीवे वापस आते हैं हम लोग, तो ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं, लॉक करते हैं और देखते हैं क्या सही है जवाब या गलत है। तो ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो टेंथ का ऑप्शन सी करेक्ट था और इसका सोल्यूशन आधा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और आधा ये रहा। इससे आप पूरी डिटेलिंग मिला सकते हैं क्योंकि जिन बच्चों का नहीं निकला है वो चेक कर लें कि क्या उनका पूरी अच्छे से निकल पाया है कि नहीं निकल पाया है। तो ये सेकंड पार्ट था, पॉज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था, दोनों देखिए। तो जो सात्विक के टोटल जो मार्क्स रहे यहाँ पर, वो मार्क्स रहे, एक गलत था बाकी सही थे आपके, तो टोटल इनके मार्क्स रहे 35। 9 सवाल सही थे तो 36 और एक गलत निकला है तो हो गए 35। हम लोग पूरी स्क्रीन पे आते हैं। तो सात्विक, ये प्रोग्राम या केबीटी खेल के कैसा लगा आपको? मजा आया? मजा आया। देखिए टोटल यही है कि इसमें केबीटी में कौन बनेगा टॉपर में आप मजा भी कर सकें और मस्ती भी कर सकें। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एपिसोड में, नए मेहमान के साथ, नए स्कूल से। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। याद दिलाता जाऊंगा आपको कि अरविंद एकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, केबीटी को हर रविवार 10:30 बजे देखिए। दोनों के लिंक, पुराने जो केबीटीज एपिसोड्स रहे 3 एपिसोड, उनके लिंक प्लस अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखिए उसको। थैंक यू वेरी मच, कमाल की तालियां, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू।